उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सहारनपुर में के क्षेत्र में किराना लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली गंगो विधानसभा सीट काफी अहम मानी जाती है, क्योंकि इस सीट पर अभी बीजेपी का कांग्रेस के प्रत्याशी ने इस पर राज किया था। इस सीट को लेकर काफी पार्टी के लोग मैदान में हैं। अभी तक किसी भी पार्टी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। इसी पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समाजवाद पार्टी के इंद्र सेन प्रभारी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि आने वाले चुनाव में किस तरीके की रणनीति आखिर पार्टी ने इस बार बनाई है। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री घोषणा करते हैं 400 रुपये कुंटल गन्ना होगा, रेट होगा, बताइए क्या बढ़ाया इन्होंने? 5 साल में 25 रुपये 5 रुपये कुंटल पेस्टिसाइड के दाम कितने बढ़ गए। प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी कह रहे कि खाद में लेने के लिए लाइनें नहीं लगी हुई, और लाइनें लगी हुई थी। माननीय अखिलेश यादव जी ने जो किया कहा वो किया। मुलायम सिंह यादव जी ने बिजली के बिल माफ किए थे एक बार, उसमें जनता ने विश्वास किया था और किए थे उन्होंने। 300 यूनिट बिजली फ्री करने की बात कही राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने, वो करेंगे। कभी माओवादी कहा गया, कभी नक्सलवादी कहा गया, आतंकवादी कहा गया, खालिस्तानी कहा गया, चीन पाकिस्तान द्वारा पोषित कहा गया। हम लोग भी थे आंदोलन में, ये सब किसान आंदोलन में थे, क्या सबके सब ये वहाँ पे आतंकवादी है ये संज्ञा दी गई और फिर वो पीछे हटना पड़ा? तो क्यों तो लागू किया था, और जब लागू किया था फिर वापिस क्यों लिया? आप उसी से अंदाज लगा लीजिए, जितने भी उनके प्रोग्राम मुख्यमंत्री जी के हो रहे हैं, प्रधानमंत्री के हो रहे हैं, सरकारी भीड़ है उसमें, जो सरकारी कर्मचारी है। पहली दफे इतिहास में हो रहा कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं, पूरे जिले की छुट्टी कर दी शिक्षण संस्थाओं की, टीचर्स की हाजिरी जो है वहां पर लगाई जा रही है रैली स्थल पर, आंगनबाड़ी वहीं पर है उनकी हाजिरी लगाई जा रही है, आशा वहीं पर जा रही है, जितने सरकारी कर्मचारी वहां पर। प्रधानों को डरा धमका के आदमी भेजिए, जो राशन डीलर हैं उनको धमकाया जा रहा था कि आदमी भेजिए, जो रोजगार सेवक हैं उनको धमकाया जा रहा था कि इतने आदमी लेकर आइए, जो सरकारी ये जो बसें गई हैं प्रयागराज भी शाहजहाँपुर भी इधर भी, वो किसके खर्चे पे गई हैं? जितने ये प्रोग्राम कर रहे हैं, सरकारी प्रोग्राम कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं और साथ में रैली कर रहे हैं, किसके खर्चे पे कर रहे हैं? ये तो ये बताया कि पार्टी पैसा दे रही है क्या इनका? मुख्यमंत्री के प्रोग्राम हो रहे, प्रधानमंत्री के प्रोग्राम हो रहे, तो उसमें किसका पैसा लग रहा है? ये लगातार आप जनता से मिल रहे हैं, कितने जनता का अच्छे दिन आए? बहुत अच्छे दिन आए। 250 का सिलेंडर कहे थे, 1000 का सिलेंडर हो गया, 2000 का सिलेंडर हो गया। 30 रुपये डीजल के भाव पेट्रोल के भाव किए थे, 100 रुपये हो रहे, वो अच्छे दिन है। खाद के दाम आसमान छू रहे, पेस्टिसाइड के दाम आसमान छू रहे, बिजली के बिल आसमान छू रहे, तो ये अच्छे दिन है। बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है, नौजवान अपनी उम्र पूरी कर चुके, कोई अप्लाई भी नहीं कर सकता, ये अच्छे दिन है। कोरोना काल में गरीबों के ऊपर जो लाठी चार्ज हुआ, उनकी जो डेड बॉडी है उनके घर तक भी नहीं जा पाई, उनकी जेबों में से पैसे निकाल लिए गए, ये अच्छे दिन है। ये थे हमारे साथ गंगो विधानसभा सीट के समाजवादी पार्टी के प्रभारी, जो कि इस बार काफी उम्मीदवारों के साथ मैदान में है, और इन्हें पूरा विश्वास है कि जनता इस बार समाजवादी पार्टी को ही जीता कर रहेगी, क्योंकि भाजपा सरकार ने केवल झूठे वादे और जुमलेबाजों की सरकार बनाने का काम किया है। अब देखना ये होगा कि किसके सर पर जनता इस बार विधायक का ताज बनाएगी। कैमरामैन विक्की के साथ मैं सोनू, द भारत टाइम न्यूज़।